हेलो लिव्या, सबको जय श्री की मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर आप एक फोटो देख रहे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आशीषों पर अभिशमस के नाम से। आज हम पढ़ेंगे आशीष वचन व्यवस्था विवरण 28। निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आप बस आमीन आमीन कहते रहें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। पवित्र वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है कि अगर आप प्रभु यीशु की हर एक आज्ञा को चौकसी से पूरी करते हो, उसकी आज्ञा पर चलते हो, चौकसी से कदम रखते हो, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हालेलुया। वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर। एक लिखा चौकसी और एक चित्त, दोनों स्वतंत्र आ गया। चौकसी से सुनना और चित्त लगा के, एक दिल लगाकर उसको सुनना, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। पहला वचन है, वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर वचन कह रहा है कि आप अपने नगर में धन्य होंगे, आप अपनी कॉलोनियों में धन्य होंगे, आप अपने गाँवों में धन्य होंगे। हालेलुया। धन्य हो तू खेत में। हमारे ये नहीं है कि हमारे खेत में जो हमारी उपज है, पड़ोसियों की उपज फलवंत हो रही और हमारी उपज खराब हो रही, नहीं, बल्कि वचन कहता है धन्य हो तू खेत में। आपकी जो खेती है परमेश्वर उसको भी फलवंत करेंगे, उसमें भी डबल आशीष आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वचन कहता है, धन्य हो तेरी संतान। बहुत से लोगों की जो संतान है वो धन्य नहीं होती है। जब पैदा होती है तो कोई ना कोई बीमारी लगी होती है उन्हें। जब वह पैदा होते हैं कोई अंग नहीं बना होता। जब वह पैदा होते हैं तो कोई ना कोई गूंगा बहरा पैदा हो जाता है। कई बार जब बड़े हो जाते हैं वो नशे करने लग जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि धन्य हो तेरी संतान, जो आपकी संतान है वो धन्य रहेगी। हालेलुया। और वचन कह रहा है, और तेरी भूमि की उपज। जिस तरह मैंने बताया कि जो भी आपके भूमि की उपज है, मान लो इसको दो तरीके से ले सकते हैं। मान लो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर वो आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन सही दाम में नहीं बिक रही, आप चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा दाम में बिके, तो ये वचन आपके लिए भी है कि वचन कह रहा है कि तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। जो आपकी भूमि है वो डबल रेट में क्या होगी, परमेश्वर को फलवंत करेंगे। डबल रेट मेरा मतलब जो दाम लोग लगा रहे हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आपको देने वाले हैं। हालेलुया। और इसका जो असल में मतलब है वो क्या कि जो आपकी उपज है, जो आप बीजते हो, परमेश्वर उसको भी फलवंत करेंगे। धन्य लिखा कि भूमि की उपज, आप जो भी बीजते हैं परमेश्वर उसके अंदर भी आपको फलवंत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है इतने साल से पड़ी हुई है, जो हमारी भूमि है वो उपजाऊ नहीं हो रही है, हमारी भूमि बिक नहीं रही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो आपकी भूमि होगी वो भी आशीष हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिखा हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादातर ये नहीं लिखा हो कहीं पे, कहीं भी आपके घर में आता हूँ आपको ये नहीं कहेगा जी आपकी बकरी कैसी है, जी आपकी गाय कैसी है, जी आपको कुत्ता कैसा, कोई नहीं पूछता। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है कि धन्य हो तेरी गाय और तेरी भेड़ और तेरी बकरी आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर इन्हें भी धन्य कह रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो आपकी भेड़ की, जो आपकी बकरियों की, जो आपकी गाय की भी क्या कह रहे हैं, वो धन्य होंगे। हालेलुया। कोई हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बस अच्छा अच्छा, लेकिन कोई पशुओं को प्यार नहीं करता, कोई जाके बकरी के ऊपर हाथ नहीं फेरता, जाके कोई नहीं फेरता। लेकिन वचन कह रहा है कि धन्य होंगे आप लोग। हालेलुया। वचन कहता है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। जो हम हमारा पैसा रखते हैं टोकरी में, मतलब थैली में, जब हम पैसा रखते हैं वो हम पैसा रखते हैं अपनी शेदवल थैली में, कभी उसे बीमारी में लग गया, कभी इस एक्सीडेंट में लग गया, कभी इस रोग में लग गया, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। लेकिन वचन कहता है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, मतलब कि जो भी आप उस टोकरी के अंदर रखेंगे परमेश्वर के नाम से, जो भी अपना धन रखेंगे वो फलवंत रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग घर से जाते हैं और घर पे वापस नहीं आ पाते हैं,
कुछ किडनैपिंग हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, या कोई खुदकुशी कर लेता है जाकर, लेकिन वचन कहता है कि जो आपके संतान हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जब आप लोग बाहर जाएंगे, आप बाहर भी धन्य होंगे, जब घर पे आएंगे तब भी आप धन्य होंगे, शैतान आपके निकट नहीं आ पाएगा। और एक वचन शत्रुओं के लिए लिखा हुआ है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे हार जाएंगे, वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। जब आपके दुश्मन हैं, हम हमारे दुश्मन से डरते हैं, हम हमारी गली मुड़ जाते हैं, अरे यार इस घर के इस गली के अंदर तो मेरा दुश्मन रहता है, कहीं मेरी गल ना पड़ जाए, नहीं नहीं मैं पिछली गली से जा रहा हूँ, फिर सोचते हैं नहीं गली बंद कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो आपके शत्रु हैं वो आपके ऊपर एक सेट से तो आएंगे लेकिन सात मार्गों से भाग कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू धन्य है इसलिए। हालेलुया। वचन कहता है तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। लोग कहते हैं कि ये तो मनहूस है, हमारी पत्नी घर में आ गई मनहूस है, हमारी बेटी आ गई तो मनहूस, हमारे बेटा घर में आ गया तो मनहूस है, हमारे घर में रिश्तेदार आए मनहूस है, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन आप जिस घर में जाओगे, जिस दुकान में जाओगे, जहां पर भी आपके पांव जाएंगे, लोग कहेंगे कि मैंने सुबह उसकी शक्ल देखी थी तो मेरा दिन अच्छा निकला। लोग ये नहीं कहेंगे कि इसका मुंह देख लिया तो मैं मनहूस हो गया, आज का दिन मेरा मनहूस हो गया, नहीं, बल्कि पवित्र वचन कहता है कि जिस कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। जहां भी आप हाथ लगाओगे, जो भी आप काम करोगे, लोग आपको ये कहेंगे अरे यार किसके हाथ लग गया इस काम के अंदर, नहीं, बल्कि जो भी आप काम करोगे परमेश्वर उसके अंदर आपको फलवंत करेंगे। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेंगे। वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। वचन कहता है पृथ्वी के देश के सब लोग यह कहकर देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर भय डालने वाला है। जब लोगों को पता लगेगा, हम सोचते हैं कि जब पता लग गया कि मसीह हैं तो क्या हो जाएगा, वो कहेंगे अरे तू तो क्रिश्चियन बन गया, तुम तो धर्म बदल लिया। नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह कहकर कि तू यहोवा का कहलाता है तू उससे डरेगा। परमेश्वर उनके अंदर भय डाल देगा जब हम गर्व से कहेंगे कि हाँ मैं मसीह हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कहता है कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा, यहाँ तक कि आपके बच्चों की भलाई करेगा, आपकी भूमि की भलाई करेगा, आपके पशुओं की भलाई करेगा, हर एक चीज की परमेश्वर आपको भलाई करेंगे। वचन कहता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा परंतु तुझे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। मैं तो प्रभु को मानता हूँ जी उधार दे दो, मैं प्रभु को मानता हूँ उधार दे दो, आज 1800 इससे पकड़ लिए, आज 600 इससे पकड़ लिए, जी मैंने किराया देना है उधार इससे ले लिया, जी मैंने बिल भरना है उधार इससे ले लिया, जो बच्चों के कपड़े लेने हैं चलो कपड़े का सर जाता है लोगों का इधर उधर से ले लेते हैं। लेकिन लोग कुछ लोग जान के मांगते हैं हमारे पास कपड़े नहीं, कुछ लोग जान के अपने पैसा नहीं खर्चते हैं, पैसा कुंडी डाल के रखते हैं और सोचते हैं लोगों से मांग लेते हैं, लोगों से मांगते रहते हैं, मसीह लोगों से मांगते रहते हैं ताकि क्या हो जाए उनको अपना पैसा ना खर्च करना पड़े, अपना पैसा संभाल के रखें और अपने पर कर्जा अपने पर कर्जा चढ़ा लें तो ही तो मसीह लोगों के ऊपर कर्जा हो जाता है क्योंकि अपना पैसा नहीं खर्च करते हैं वो लोग। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने देखा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वचन का कहता है कि तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि तू तो उधार देगा, तो फिर आप लोग उधार क्यों लेते हो भाई जी, आज 500 दे दो मैंने किराया भरना है, 1000 पे तो मैंने किराया भरना है, हमारी जरूरतों को पूरा करो। वो मना कर देते हैं फिर भी उनको 10 दिन बाद फिर फोन करते हैं जी हमारी मदद करो हमारी मदद करो, तो ये सब गलत है। लेकिन वचन का कहता है कि मैं मी बरसाऊंगा आशीषों का और सारे कामों पर आशीष दूंगा। ले लो, आपके हर एक काम पर परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि आप उधार देने वाले होंगे। हालेलुया। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग हमें गिराना चाहते हैं,
लोग बहुत से ऐसी नेगेटिव बात करके हमें गिराना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि तू सिर ही रहेगा बल्कि तू पूंछ नहीं बनेगा। हालेलुया, क्योंकि पूंछ तो पीछे पीछे भागती है, परमेश्वर कह रहे कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा। हालेलुया, और आगे लिखा है जिन वचनों को मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के प्राय देवता के पीछे न हो लेना और न उसके सेवा करने लग जाए। मतलब कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, इसका मतलब है कि मैं ही तुझे आशीष दूंगा। ये नहीं कि आप पीछे किसी और के पीछे भाग रहे हो, जा मुझे आशीष दे दो, जा मुझे आशीष दे दो, जा मुझे आशीष दे दो, ऐसा नहीं है। तो ये आशीष वचन है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष तो अनुपाय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप 24 मई रात की लाइव आप देख सकते हैं, उस दिन मैंने प्रार्थना की थी बड़े बड़े रोगों के लिए, बड़े बड़े बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, जीर्ण दिखता ना उनके लिए। कुछ लोगों ने अपने गवाही को भी भेजा कि उन्हें धुंधला दिखता ना, उनकी आंखें साफ हुई हैं, आंखों में दर्द था वो दूर हुआ है, बड़ी बड़ी गवाही आ रही हैं प्रभु के नाम से। और मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और लाइव प्रार्थना के जो बुधवार की थी शाम की, और उसको आप सुने ताकि आपके जीवन में चमत्कार होने पर आपका रोग भागेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप चमत्कार छुटकारा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए ये आशीष वचन है, ये मेरे वचन नहीं बल्कि पवित्र बाइबल के वचन है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें उधार लेना नहीं है बल्कि हम उद्धार देने वाले होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और रब असल खैर बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आज मैंने वचन सुना है मेरे पिता, ये आशीष वचन मेरे जीवन में कार्य करने पाए मेरे पिता, ये आशीष वचन मेरे अंदर फलवंत हो जाए मेरे पिता, मेरे परिवार में फलवंत हो जाए, मेरे परिवार में फलवंत हो जाए। ये आशीष वचन को हम ग्रहण करते हैं, ये आशीष वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे पिता, हमें ब्लेस कर मेरे पिता। ये शैतान इस वचन को चुराने न पाए मेरे पिता, हमारे जीवन में बहुत ताई से ब्लेसिंग आने पाए मेरे पिता, हमें ब्लेस कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।